All time easy, healthy, tasty, portable immunity food by Dr. Jayashri Kulkarni, MD Ayurved. आजकल सिर दर्द, बुखार, गले का दर्द, बदन दर्द और खांसी, भूख की कमी, अपचन, वीकनेस से ग्रस्त रुग्ण बड़ी संख्या में आयुर्वेद चिकित्सा के लिए आ रहे हैं। इस अवस्था में सार्वदेहिक अग्निमानदे के उपचार करने का आयुर्वेद का निर्देश है। भूख न लगना, सीने में भारीपन, अपचन, बेचैनी, बदन दर्द, मृत्यु का भय, हर समय रोग की ओर ध्यान लगा रहना, हर एक व्याधि में ये अवस्था होती है। बीमारी के दौरान या बाद में भी इम्यूनिटी के लिए पनीर, चीज़, दही, दूध, अंडे, मांसाहार, सूखा मेवा जैसे हाई प्रोटीन पदार्थ खाने की सलाह दी जाती है। किंतु अग्निमानदे के कारण ये पदार्थ सेहत के लिए अच्छे होने पर भी मंद दुर्बल अग्नि इनका पचन करने में समर्थ नहीं होता। इस शास्त्रीय तथ्य को ठीक से ध्यान में लेना आवश्यक है। बेड रिडन रुग्ण और प्रेगनेंसी के दौरान भी आसानी से पचन होने वाले फिर भी पोषक पदार्थों की थोड़ी थोड़ी देर के बाद आवश्यकता होती है। 2 वर्ष के अंदर के शिशुओं की माताएं भी पचन में हल्के कम समय में बनने वाले फिर भी पोषक आहार को ही पसंद करती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पालक पाचन तंत्र को मजबूत रखने वाला पत्ता को भी बच्चे, बूढ़े, महिला सभी के लिए सर्वांगीण पोषक टॉनिक रागी और पोषक तत्वों से भरपूर ग्लूटेन फ्री ज्वारी, इनसे 4 कम समय में आसानी से बनने वाले हेल्दी पोर्टेबल फूड बनाना सीखते हैं। एक्टिव कोविड, पोस्ट कोविड, बेड रिडन रुग्ण, प्रेगनेंसी, स्तनपान करने वाली माताएं, 2 वर्ष तक के शिशुओं की पोषण और भूख दोनों की स्वाद से पूर्ति करने वाला इम्यूनिटी डाइट।